हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट सदाभाई। मैं तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिजाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे, आज की इस वीडियो में बात करने वाले लिस्ट ऑफ ड्राइंग इंटीरियर प्रोजेक्ट्स को लेके, मतलब इंटीरियर प्रोजेक्ट्स के लिस्ट ऑफ ड्राइंग को लेकर बात करेंगे। एंड गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये पूरी चल रही है सीरीज किस चीज़ की है। सीरीज है जो स्टूडेंट एकेडमिक्स टाइम पर आर्किटेक्चर फील्ड की नॉलेज लेना चाहते हैं, थोड़ी बहुत आर्किटेक्चर फील्ड की नॉलेज ओवरव्यू, ठीक है, उनके लिए ये पूरी सीरीज चल रही है। और ये उस सीरीज का चल रहा है पार्ट फोर। अगर आपने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री नहीं देखा है तो पहले उनको एक कंटिन्यूटी में देख लीजिए, उसके बाद आप ये पार्ट फोर देखिए। और ये जो पूरी सीरीज है ये आपको हेल्प करेगी आपके इंटर्नशिप और जॉब के टाइम पर थोड़ी बहुत नॉलेज रखने का पहले से ही आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में। तो देखिए गाइज, ये है पूरा एक लिस्ट, जो ड्राइंग ऑफ लिस्ट जो हमें प्रोवाइड करनी होती है एक क्लाइंट को, जब भी हम उनसे मतलब पूरा हम कंसल्टेंसी उनको दे रहे होते हैं तो इंटीरियर प्रोजेक्ट्स को लेके हमें पूरी लिस्ट जो है वो रेडी करनी होती है। ये एक्सेल शीट पे बनती है बेसिकली, और मतलब आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे बनाते हैं, लेकिन जनरली एक्सेल शीट पे बनती है। आप देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट लिखेंगे आप, क्लाइंट, क्लाइंट का नेम लिखेंगे, आर्किटेक्ट, तो कंसल्टेंसी जो है वो हम ही प्रोवाइड कर रहे थे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, तो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हम ही हैं, इवन प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर और एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये सारे से ही जो है वो आप जो है वो कंसल्टेंसी लेते हैं और प्रोवाइड करते हैं बाकी सारी चीज़ को, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम होते हैं एक इन सबको, मतलब इन सबके एक तरीके से कह सकते हैं कि आप लीडर, और हम ही इन सबको जो है वो एक तरीके से देख रेख करना होता है, और हमें ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी होती है और इनसे सर्विसेज लेके क्लाइंट तक पहुँचानी होती है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले क्या है, नंबर, सीरियल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन वो इस तरफ लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेल शीट में बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं तो वो राइट हैंड साइड पर था, ठीक है। अब ये ड्राइंग नंबर है यहाँ पर, फिर ड्राइंग नेम है, उसका ड्राइंग डेट, रिवीजन, रिवीजन डेट और सबमिशन डेट है, ठीक है। ड्राइंग नंबर में आप लिखते हैं जनरली, जैसे मान लीजिए AI लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आर्किटेक्चर इंटीरियर, ठीक है, मतलब कि हम आर्किटेक्चर इंटीरियर के दोनों के सर्विस दे रहे थे, तो AI इंस्टेंट फॉर आर्किटेक्चर इंटीरियर। उसके बाद अपनी अपनी कोडिंग होती है, हर फर्म की एक अपनी अपनी कोडिंग होती है, टेम्पलेट अपने अपने अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, तो वो अपने तरीके से करते हैं कि उसको कैसे वो ड्राइंग को देंगे। अब हम कौन कौन सी ड्राइंग्स देते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ड्राइंग नेम आप देख सकते हैं, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, कि क्या देने वाले हैं, कंसेप्ट प्लान, ठीक है। सबसे पहले हम कंसेप्ट प्लान देंगे कि हम किस बेस पे उनका डिजाइन करने वाले हैं इंटीरियर, ठीक है, कौन सा थीम लेके हम उनको वो वैल्यू सर्विस देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, इस पर भी मैं पूरा बताऊंगा कि हम कौन सी प्रेजेंटेशन देते हैं, वो सारी चीज़ें पर वो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में सिर्फ बात करेंगे कौन सी लिस्ट जो है हम ड्राइंग्स की देनी पड़ती है। उसके बाद मार्किंग प्लान देना होता है आपको, ठीक है, सारे फ्लोर के आप मार्किंग प्लान देंगे, फिर आप पार्टीशन प्लान देंगे। पार्टीशन प्लान मतलब ये जो पार्टीशन होते हैं वॉल के, वो किसी भी तरीके का होता है, लेकिन द थिंग इसकी इंटरनल पार्टीशन वॉल की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप पार्टीशन प्लान भी देते हैं एग्जैक्टली में। उसके बाद है फिर सेक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ता है, देखिए सेक्शन तो हर केस में आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर के एलिवेशन, सारे ही फ्लोर के इंटीरियर एलिवेशन आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, मतलब कि एलिवेशन में कौन कौन से वॉल डेकर क्या आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ लाइटिंग आएगी, कहाँ स्विचेस आने वाले, वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, किस तरीके का दिखने वाला है, पेंट जॉब कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो वो एलिवेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, कि वो क्या क्या चीज़ें आपको दिखानी है। उसके बाद फ्लोर प्लान, फ्लोर प्लान इसलिए क्योंकि आप मतलब टाइलिंग लगवाना चाह रहे हैं, मार्बल लगवाना चाह रहे हैं, मतलब आपने क्या सोच रखा है उस प्रोजेक्ट को लेके, वो सारी चीज़ें तो वो फ्लोर प्लान आपको दिखा दी जाएगी, तो इसलिए फ्लोर प्लान भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है। उसके बाद है फॉल सीलिंग प्लान, फिर भी फॉल सीलिंग प्लान सारे ही फ्लोर्स के आपको प्रोवाइड करवाने हैं। फॉल सीलिंग में मतलब कि आप कौन सा डिज़ाइन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे लाइटिंग आएगी, कैसी सारी चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं उसमें फॉल सीलिंग में, तो उनकी वो डिटेलिंग हमें देनी पड़ती है। इनके ड्राइंग्स की भी बात करेंगे और इनके प्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे, सारी की बात करेंगे, लेकिन सारे नेक्स्ट पार्ट में होंगे। इस वीडियो में सिर्फ बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स जो कि हमें इंटीरियर प्रोजेक्ट्स के टाइम पर देना होता है। उसके बाद टॉयलेट डिटेल्स, स्टेयरकेस डिटेल्स, डोर डिटेल्स और विंडो डिटेल्स, इन सब की भी डिटेल्स देनी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि अब टॉयलेट कुछ अलग ही दिख रहा है इंटीरियर से, ठीक है, और बाकी सारे रूम्स जो वो अलग दिख रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूटी फ्लो में बना रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती है। बाकी यहाँ पर आपको ड्राइंग नंबर दिए जाएंगे, तो गाइस इतना ही होता है, इतनी सारी चीज़ें मतलब आपको ये चीज़ देनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, ड्राइंग डेट, मतलब आप कब कब ये ड्राइंग देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें लिखते हैं ऑन दैट टाइम जो आप दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवीजन, अगर रिवीजन कुछ हो रहा है, मतलब कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं साइट के दौरान पर, ठीक है, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई या क्लाइंट को कुछ और चाहिए, कभी कभार क्लाइंट का भी मूड चेंज हो जाता है, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर रिवीजन, जब अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर रिवीजन डेट, मतलब अब कब देंगे हम नेक्स्ट टाइम उनको वो ड्राइंग, वो भी चीज़ें देनी होती है। उसके बाद लास्ट हो जाता है सबमिशन डेट, मतलब हमने सबमिट कर दिया कंप्लीटली, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से ही जो है वो सारी एक लिस्ट ऑफ ड्राइंग बनानी पड़ती है, मेनली जब एक्सेल शीट पे बनती है। आई होप कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ज़्यादा डिटेल बताना आपके लिए, खुद ही आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मेनली बस एक ओवरव्यू लेना कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस में जाके ये सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं, या इस टाइप से हमें क्लाइंट को हैंडल करना होता है। शुरू में जब क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा तो हमें ये सारी चीज़ें देनी होती है, उसके बाद हमें उनके पे टिक लगाना होता है टाइम टाइम पे कि हमने आपको ये जो ड्राइंग्स वो प्रोवाइड कर दी है।
तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड गाइस, अगर आपको मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।